हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। सबसे पहले तो मेरी तरफ से, जोगट एकेडमी की तरफ से, जोगट एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज एक बुक लॉन्च करने जा रहा हूँ। बुक है हिमाचल प्रदेश के जीएस पार्ट का, जो मेंस एग्जामिनेशन है उसकी प्रीवियस ईयर की सॉल्व पेपर। हर बारी की तरह जब भी मैं कोई बुक लॉन्च करता हूँ तो एक खुशी का एहसास होता है, उसी तरह से आज भी मैं उतना ही खुश हूँ जितना हर बार होता हूँ, क्योंकि हमारा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। और आप जितना हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कि उससे अपने को थोड़ी सी और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फाइनली ये जो किताब है एचएस मेंस की, ये आज इसको लॉन्च कर रहे हैं और 1 या 2 दिन में ये मार्केट में आ जाएगी और जो टेगरी का भी ये अवेलेबल है। तो इस बुक की कुछ खास बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें हमने क्या किया है कि जो नए पैटर्न्स हैं, जो जीएस का जो नया पैटर्न स्टार्ट हुआ 2017 से, तो 2017 से लेकर अब तक जितने भी पेपर हुए 2021 तक जनरल स्टडी वाले पार्ट के, उसका पूरा सॉल्व एनालिसिस हमने इस किताब के अंदर रख दिया है। और इसमें दूसरा पॉइंट ये कि हमने कोशिश ये की है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी एक्स्ट्रा दी है, इलेबोरेट करके दिया है, ताकि जब आप तैयारी करो, जब आप क्वेश्चन को देखते हो, सॉल्व करते हो, तो अगर आप 4 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो तो आप 8 नंबर का आंसर लिखने के काबिल हो जाओ। अगर आप 8 नंबर हो तो आपका 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन आप 20 के अंदर भी कवर कर दो। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें यह कि हमने कोशिश इसमें यह की है कि जो डाटा है वो करंट डालने की कोशिश की है। जैसे कोविड से पहले वाले जो एग्जाम हुआ थे 17, 18, 19 में, तो उन पेपर को जब हमने सॉल्व किया था तो उसमें भी हमने एग्जाम्पल हो गया, डाटा हो गया, फैक्ट्स हो गया, वो करंट देने की कोशिश करी है ताकि आपको आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए काफी हेल्प मिल जाए। और नेक्स्ट बात इसके अंदर ये है कि जो ये बुक है 2017 से लेकर 2021 तक जितने भी पेपर हुए अभी तक, तो आज तक कमीशन ने इन एग्जाम के माध्यम से ऑलमोस्ट 90 या 80% सिलेबस को टच कर दिया है। तो अब जो सिलेबस उन्होंने टच किया हुआ है तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है उसके ऊपर, और उस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, आंसर की फॉर्म में लेकर आए। तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सिलेबस की एक ब्रॉड सी पिक्चर है वो आप लोगों के सामने इस बुक से पेश हो जाएगी। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और कौन सा हमारा सिलेबस है और सिलेबस का वो कौन सा पार्ट है जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कुछ चीजें अगर मैं निकालूं उसमें से, जैसे पॉलिटी का एक क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर हर बारी पूछा हुआ है, जब उसको 3-4 बारी पूछ लिया है। और पेपर 2 में है यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्स आती है उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत बारी पूछा है। हिमाचल प्रदेश में जो भी लैंड रिफॉर्म के लिए जो एक्ट लाए गए थे उनके ऊपर 20 मार्क्स क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बार बारी उस एरिया को टच कर रहे हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होगा आपको, तो एक हिसाब से एक कंसाइज नोट चाहिए जो आपको कंप्लीट सिलेबस की एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपने सिलेबस एक बारी पढ़ लिया, उसके ऊपर ये बुक पढ़ ली, तो आपको आप किसी भी टॉपिक पे ऊपर कुछ ना कुछ लिखने के काबिल हो जाओगे। तो ऐसी खास बात है कि जो मेरी खुद की इतनी टाइम की एनालिसिस है, जब हम इसके ऊपर काम कर रहे थे तो मैंने यही नोट किया है कि ये अपने आप में नोट्स तरह काम करेगा। अच्छा, नेक्स्ट बात है कि अगर जो ये बुक है ये किन किन एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ऑब्वियसली एचएस के लिए तो है ही है, क्योंकि एचएस के सिलेबस से अकॉर्डिंगली और उसके क्वेश्चन ही इसमें सॉल्व है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो एलाइड का पेपर है उसका भी जो पैटर्न है जीएस का, जो सिलेबस है जीएस का, वो कहीं ना कहीं एचएस वाला ही है। तो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं उनके मार्क्स डिफरेंट होते हैं, वर्ड लिमिट डिफरेंट होती है, बट कहीं ना कहीं जो सिलेबस है, जो कंटेंट है वो सेम है। इसलिए जो एलाइड की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जैसे भी रिसेंटली एनटी का प्रिलिम्स आया, जो एनटी की तैयारी करने वाले हैं तो उनका भी जो जीएस वाला पेपर है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एनटी का जो पेपर है इस बारी वो भी नए पैटर्न्स होना है जिसके हिसाब से चलेगा वो। तो एचएस का एक हिसाब से मिनी नोट्स बोल सकते हैं इसको, मिनी कंटेंट बोल सकते हैं, तो वो एनटी में आने के पूरे चांस है। तो अगर एनटी की जो तैयारी कर रहे हैं, अगर इस बुक को पढ़ के जाएंगे, तो उनको मुझे लगता है कि काफी हद तक हेल्प मिल जाएगी इस किताब से।
एचएस हो गया, एलाइड हो गया और एनटी हो गया। और उसके बाद जैसे फॉरेस्ट के एग्जाम जो हमारे हिमाचल फॉरेस्ट सर्विसेज है उसमें आरएफओ हो गया, एसीएफ हो गया, उसमें भी जीएस में डेफिनेटली ये हेल्प करेगी। तो जितने भी हिमाचल में मेंस एग्जाम होते हैं, जिस एग्जाम के लिए भी मेंस कंडक्ट किया जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं जो सिलेबस है वो एक जैसा ही है, तो वो एचएस का सिलेबस से ही लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये किताब एचएस के लिए काम करेगी, तो अदर एग्जाम के लिए भी जितने भी मेंस हैं वहां सबको ये हेल्प करेगी। और एक चीज और है कि जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने भी मेंस नहीं लिखना है या फ्यूचर में लिखना है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है किताब। उनके लिए देखो दो किताबें बड़ी बेनिफिशियल हो जाती है, एक प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो कि हमारी ऑलरेडी है, और मेंस की जो भी बुक आने वाली है। तो अगर आप इन दोनों को सही से एनालिसिस करोगे, पढ़ोगे, स्टडी करोगे, देखोगे इसको, तो आपको एक अच्छी खासी पिक्चर आपके सामने बिल्ट हो जाएगी कि जिससे आपको पता लगेगा कि आपको करना क्या है, किस तरफ को जाना है। और तीसरी चीज इसके साथ आप ऐड कर लो सिलेबस। तो अगर आपको सिलेबस याद हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद ही हो जाए, क्वेश्चन कैसे पूछा है यहाँ से भी बात नहीं करोगे, क्वेश्चन का पता चल जाए और प्री वाली जो क्वेश्चन है उनकी थीम पता चल जाए, क्योंकि सिलेबस को जब हम आगे तोड़ते हैं ना थीम में बनता होता है। तो अब जैसे ज्योग्राफी है, अब ज्योग्राफी की अलग अलग थीम निकलती है, जैसे हो सकता है कोई जो अर्थ का इंटीरियर है उसके ऊपर क्वेश्चन बने तो अलग थीम हो जाती है, क्लाइमेट के ऊपर अलग बन जाती है, और उसके आगे सब पार्ट बन जाते हैं, जैसे मानसून उसका आगे सब पार्ट है तो मानसून के ऊपर कितने क्वेश्चन बने हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जब हम सिलेबस को तोड़ तोड़ देखते हैं तो एक पर्टिकुलर थीम तक पहुंचते हैं और उस थीम से देखते हैं क्वेश्चन कैसे निकल रहे हैं उसमें से। तो ये जो तीन चीजें, प्रीवियस ईयर की किताब प्री की, मेंस की और सिलेबस, अगर आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करोगे ना, तो एक तरह से आपके लिए एक गाइड का काम करेंगे। तो इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी तैयारी करने की सोच रहे हैं और जो तैयारी करनी जिन्होंने स्टार्ट कर दिया, उनको ये बुक देखनी चाहिए, प्री वाली, मेंस वाली और सिलेबस वाली किताब। तो अब जो मैं नेक्स्ट इस पे बात करूंगा कि अभी जैसे हमारी एचएस की टेस्ट सीरीज है, तो उसमें भी हमने जो क्वेश्चन जो तैयार किए हैं वो भी इसी लाइन पे किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। और अभी हमारी एनटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है 7 जनवरी से, तो उसको भी कहीं ना कहीं इसी फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश करी है। तो हमारा ये एक टारगेट रहता है कि जो एचएस की जो तैयारी है, जो कमीशन जिस तरह की अप्रोच रखता है, उस अप्रोच को हम थोड़ा मीट कर पाए और ताकि आपकी प्रिपरेशन भी उसी डायरेक्शन में एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाए। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा कि इस टाइम हमारे पास डॉक्टर एकेडमी आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करती है, एक स्टडी मटेरियल पूरा प्रोवाइड करती है, प्री से लेकर तक के से मेन तक के, चाहे प्री के हमारी प्रीवियस ईयर की बुक हो, प्री के नोट्स हो मॉड्यूल वाइज, और हिमाचल जीके की बुक है, इकोनॉमिक सर्वेंट बजट है, उसी तरह से मेन्स के नोट्स है, टू द पॉइंट कंसाइज है, अपडेशन के साथ है, और वो मॉड्यूल्स भी बने हुए हैं मेंस वाले। और इवन अभी हमारी मेंस की बुक जो हिंदी में लॉन्च हुई है और इंग्लिश की ऑलरेडी है, और अभी प्रीवियस ईयर की जो बुक है ये भी आ चुकी है। तो इस तरह से कंप्लीट पैकेज है जो हमारे पास है। तो अब मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ में, जब से मैंने अपनी पहली बुक लिखी थी, तो अभी हमारे पास इस तरह से 9 या 10 बुक्स आ चुकी है, और एक पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस रहा है 10 सालों का, अपनी तैयारी करा है जब, तो उन सभी तैयारी में मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसी चीज़ दूँ आपको जो कि आपको एकदम से गाइड कर पाए। तो जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मेरा वही है, तो जिसमें मैं एक अलग से बुक बना रहा हूँ, वो बुक ऐसा नहीं है कि आपको कोई कंटेंट प्रोवाइड करेगी। उस बुक के अंदर क्या होगा, उसको मैं एक तरफ से बोलता हूँ कि आप लोगों के लिए वो गाइड बुक है, आपको गाइड करेगी, और मेरे लिए वो बुक एक रिसर्च एंड एनालिसिस है। तो रिसर्च एनालिसिस ऐसा नहीं कि मैंने कहीं अलग जाके किया है, रिसर्च और एनालिसिस मेरा साथ साथ चलता रहा, अपनी तैयारी में चलता रहा, फिर बुक लिखने में चलता रहा, और जो एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनका उनकी जर्नी देख के प्री से लेकर मेंस तक, और सबसे बड़ी बात है सिलेबस, सिलेबस को मैंने किस तरह से एनालिसिस किया। तो उसी के बेस पर जो अगली बुक आ रही है वो भी थोड़े दिनों में मैं आपके पास पहुंच जाएगी किताब। अब उसमें मैंने क्या कोशिश की है कि अगर कोई बिगनर है जिसको ये भी नहीं पता कि एचएस होता क्या है, और एक वो जिसने इंटरव्यू फेस कर लिया है, उन दोनों के लिए हेल्पफुल होगी किताब। अब बिगनर के लिए क्या करिए, गाइड की तरह काम करेंगे, जैसे मैं अभी बता रहा था मैं कि सिलेबस को कैसे तोड़ता है, उसकी बाइफर्केशन, उसकी ब्रेक कैसे की जाती है,
उस सिलेबस को पहले ही मॉड्यूल वाइज डिवाइड कर दिया, फिर उसको थीम तक ले आए, फिर उसको क्वेश्चन तक ले आए, फिर ये देखा कि किस पार्ट में से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्री में कैसे पूछा जा रहा है, मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस साल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, किसको कितनी वेटेज दी गई, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे मान लो ज्योग्राफी में, अभी जैसे ज्योग्राफी हम देख रहे हैं कि ज्योग्राफी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। और जैसे ज्योग्राफी का इंटीरियर पढ़ते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो इंटीरियर ऑफ अर्थ सभी को पढ़ना पड़ता है, तो उसमें ज्यादा प्री में क्वेश्चन आ रहा है, मेंस में क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरह की जितनी भी मेरी एक एक अंडरस्टैंडिंग रही है इस चीज को लेकर, तो वो मैंने सारी कोशिश की है कि उसके अंदर मैं आपके सामने बिल्कुल इस तरह से एक मैप बुक की तरह तैयार करूँ। जैसे गूगल मैप आपको जहां से आप स्टार्ट करते हो ना जाना, तो आपको उस डेस्टिनेशन तक बिल्कुल आसानी से पहुंचा देता है। तो मैं भी, मेरी भी कोशिश रहेगी कि जिस तरह से कई बार ये नहीं समझ आता कि आखिर में पेपर डिमांड क्या करता है, ये सिलेबस डिमांड क्या करता है, कौन सी बुक्स पढ़नी, कितनी पढ़नी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बिल्कुल एकदम प्रीलिम्स को स्क्रैच से लेकर काफी घंटे तक बात की है उसके बाद में। तो अगला प्रोजेक्ट ऑब्वियसली आप लोगों की इस तरह से बेस्ट डिशेज रही तो वो भी आपके सामने जल्दी आ जाएगी। तो उसमें तो यहाँ तक मैं बोलूँगा, अगर कोई बिना कोचिंग के भी अगर तैयारी करना चाहेगा तो उसके लिए वो एक एक मास्टर बुक का काम करेगी वो। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा ये रहेगा। तो मुझे लगा चलो आज इस पर भी बात कर लेनी चाहिए, तो मैंने कर लिया। तो इसी के साथ ये जो बुक है HPS मेंस के लिए, तो बड़े लंबे टाइम से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, तो फाइनली आज ये आ चुकी है। तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगी और आपकी जो तैयारी है, जर्नी है, उसको काफी स्मूथ करेगी। तो इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। फिर से ये साल आपको सक्सेस दे और जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव हो जाए। थैंक यू।